प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 70% के साथ सबसे पॉपुलर नेता चुने गए हैं। जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। इस रेटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6वें नंबर पर हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। यहां वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। चल लौट रहे हैं और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। इराक के पीएम की आवास पर ड्रोन हमले की खबर है। राजधानी बगदाद में इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी के सरकारी आवास पर विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया। एक टीवी चैनल के मुताबिक इस हमले में पीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर पर शनिवार को ड्रोन से हमला किया गया और जानकारी के मुताबिक विस्फोटक से लदे ड्रोन के जरिए इराक के प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस हमले में इराक के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं हुआ, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अफ्रीकी देश सियेरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में एक फ्यूल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 99 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। सियेरा लियोन की राष्ट्रपति जूलियस मादा बायो ने हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ी है, साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भी भरोसा सरकार ने दिया है। तो इस भीषण हादसे की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर वहां पर तबाही मची है। ये तस्वीरें बेहद भयानक। फ्री टाउन में यह हादसा हुआ है, फ्यूल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और इस हादसे में 99 लोगों की दुखद मौत हो गई है, सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। यहां रुक रहे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार आज तक पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।